जरूरी नियम। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। वृंदावन के सुप्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज भी अपने प्रवचनों और सत्संगों में भक्तों को भगवान से जुड़ी कई बातें और नियम बताया करते हैं। अब उन्होंने मंदिर में प्रवेश को लेकर जरूरी बातें बताई हैं। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि सभी को इनका पालन करना जरूर चाहिए, इससे भगवान की कृपा हासिल होती है और उनकी कृपा का पात्र बनना आसान भी होता है। वहीं मानसिक शांति भी मनुष्य को मिलती है और जिस उद्देश्य के साथ भक्त मंदिर जाते हैं वह उद्देश्य भी जरूर पूरा होता है। देखिए, प्रेमानंद महाराज ने मंदिर में कदम रखने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो नियम कौन से हैं, उन्होंने कौन से नियम बताए हैं, इसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए, मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रथम सीढ़ी के पैर को छूना चाहिए और मौन धारण कर लेना चाहिए। इसी के साथ आंखें भी नीचे रखनी चाहिए और किसी से कोई भी बातचीत मंदिर में प्रवेश करते ही नहीं करनी चाहिए। वहीं सीधे मंदिर में जाना चाहिए। अगर मंदिर में आपसे किसी की भी निंदा हो गई हो या भूल चूक हो गई हो तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। जी हाँ, मंदिर में किसी का भी दोष ना देखिए, किसी को भी अपमानित ना कीजिए। वहीं मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए, उनसे आंखें मिलाइए, नीचे सर झुकाएं और वहां से बाहर चले जाइए। भगवान के जितनी देर दर्शन हो पाए आपके लिए उतने काफी रहने चाहिए। वहीं इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश जीवन में होने लगता है। जी हाँ, हम हमेशा मंदिर इसलिए जाते हैं कि तन और मन पवित्र हो सके। मंदिर जाने से शरीर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ यानी कि नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर होती हैं और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव एनर्जी मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है। देखिए, आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद पूरी तरह से पवित्र होकर ही मंदिर जाना चाहिए। जी हाँ, कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश के बाद से सभी बुरी ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। वहीं मंदिर में जब भी पूजा की जाती है तो सभी भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में अनेकों भक्त और याचक अपने सवाल लेकर आते हैं। इन सभी का जवाब प्रेमानंद जी महाराज देते हैं। ये एक एकांतिक वार्तालाप होता है जिसमें भक्त खुलकर अपने मन की बात महाराज के सामने रख सकते हैं और प्रेमानंद बाबा उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए।